हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्नोक्रेटिक्स। और मैं हूं अंबुज। आज मैं आपके लिए एक यूनिक गैजेट लाया हूं, जो कि है एक 2.5 इंच HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सटर्नल केस। सो ये है उसका फिजिकल बॉक्स, और इसको अनबॉक्स करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या है इसके प्रैक्टिकल यूजेस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने डेस्क पे चलते हैं और इस पैकेज को अनबॉक्स करते हैं, और पूरा मैं इसको यूज़ करके प्रैक्टिकल पूरा दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करिएगा। सो लेट्स मूव टू अवर डेस्क। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने डेस्क पे आ चुके हैं और ये रहा उसका पैकेजिंग। काफ़ी ठीक ठाक से बेसिक पैकेजिंग में आता है, ज़्यादा अच्छा पैकेजिंग नहीं है। और ये है उसका, लिखा हुआ है सीरियल अटा, यानी साटा ड्राइव के लिए है, USB 2.0 है, और कुछ कंपनी मेंशन है हेज नाम की, और 2.5 इंच HDD यानी जो लैपटॉप में हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव लगती है उसका केस है ये। और लिखा है ड्राइवरलेस हाई स्पीड प्लग एंड प्ले का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, और एल्यूमिनियम शेल है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, एक्सटर्नल केस लिखा हुआ है, और हाई स्पीड एक्सटर्नल स्टोरेज फॉर 2.5 इंच HDD लिखा है। तो ये USB 2.0 है और इसमें मेंशनड है 5 GBPS प्लस टेस्टेड है। तो पता नहीं, इसको मैं टेस्ट भी करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये है बॉक्स, और किनारे भी 2.5 इंच HDD केस मेंशन है, और पीछे की तरफ कुछ फीचर मेंशन है, वही जो आगे लिखा हुआ था कि वही ऐसे सॉलिड एल्यूमिनियम केस है, 2.5 इंच साटा ड्राइव से सपोर्ट कर सकती है, और स्पीड इसकी USB 2.0 इंटरफेस है, तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक 30-50 MBPS से ऊपर स्पीड जाएगी। और प्लग एंड प्ले है, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि डायरेक्ट इसमें लगाना है आपको USB, और कुछ नहीं करना है, सारा ड्राइव अपने आप लोड हो जाएंगी। और ट्रांसफ़र स्पीड 5 GBPS लिखा हुआ है, देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स हैं वही विंडोज़ 98.7.8 कोई भी होना चाहिए, या macOS होना चाहिए, और लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। और पैकेज में हमारे पास इसमें लिखा हुआ है हार्ड ड्राइव इंक्लोजर है, और स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हार्ड ड्राइव इंक्लोजर। USB 2.0 केबल है हमारे पास, और एक कैरिंग केस है। तो कैरिंग केस तो मुझे मिला नहीं, शायद इसी को यही कैरिंग केस बता रहे होंगे। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी से, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो यार, बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है इस केस को खोलने के बाद, क्योंकि हमें केवल एक USB A to A इंटरफेस केबल मिलती है, आपको बेसिक सी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, और अप्रॉक्स 0.5 meters की मैं कहूँगा है इन लेंथ। और तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं अपनी केस की तरफ। तो केस भी प्रीमियम है, लेकिन उतना नहीं मैं कहूँगा। और यहाँ एक LED इंडिकेटर आपको मिल जाता है, और एक USB 2.0 इंटरफेस पोर्ट मिल जाता है, आप देख सकते हैं। और ऊपर कंपनी मेंशन है हेज, और USB 2.0 मेंशन है, और बाकी पीछे बैक एल्यूमिनियम एक फिनिश है, जो कि दिखने में प्रीमियम लगती है लेकिन बहुत ही हल्की भी है। तो इसके आपको मैं यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले इसका यूज़ ये है कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप की 2.5 इंच की हार्ड ड्राइव पड़ी हो, वो आप इसमें फिट कर सकते हैं, तो एज ए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको, फॉर एग्जांपल, आपकी विंडोज़ क्रैश कर गई है एकदम से, आपको डेटा निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, काफ़ी जाम हो जाता है उसके बाद, तो उसके लिए इन केस ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि पुराने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाली आपने, और उसका डेटा आपने किसी और दूसरे लैपटॉप या PC में कॉपी कर लिया, और उसके बाद इस हार्ड ड्राइव को एकदम सही से फॉर्मेट करके, वापस पार्टीशंस वगैरह बना करके आपने अपनी विंडो इंस्टॉल कर ली। तो ये कुछ उसके प्रैक्टिकल यूजेस हैं। और इसको लगाने के लिए यार केस में मुझे एक स्क्रू ड्राइवर भी नहीं मिलता है, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। लॉकडाउन था तो मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही ख़रीद लिया। तो ये USB 2.0 इंटरफेस है, मुझे USB 3.0 इंटरफेस चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन है, जो मिला है ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी, तो जो मिला वही मैंने ख़रीद लिया है। तो देखते हैं इसको किस तरह हम इसमें हार्ड ड्राइव लगाएंगे, और पूरा प्रॉपर मैं समझाऊंगा। तो प्लीज़ ये आप एक बार करने से पहले, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत लैपटॉप के बारे में, तभी लैपटॉप खोलिएगा, वरना आप इसको किसी शॉप पर ले जाकर खुलवा लीजिएगा, या वहीं से ही फिटिंग करा लीजिएगा। तो मैं तो खुलने जा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन फिर भी इसको ट्राई मत करिएगा। तो यार, सबसे पहले तो मैं इसी के स्क्रू खोलूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यार, मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर जानकार ना हो लैपटॉप खोलने वालने के मामले में, तो इसको ना खोलिए। तो यार, आप देख सकते हैं इसमें एक स्क्रू यहाँ इस साइड पे लगा है,
ऊपर की साइड, और एक स्क्रू इसी तरह पीछे की साइड भी लगा हुआ है। तो ये आपको इस तरह का फोर इस प्लस वाला जिसे हम लोग जनरली कहते हैं बेसिक, एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए इसे खोलने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसके स्क्रूज निकाल लेता हूँ, और तब तक के लिए वीडियो यार कुछ इस तरह का हमें एक अंदर चिपसेट देखने के लिए मिलती है जो कि हमारी हार्ड ड्राइव जिसमें फिट होगी। तो ये है वो पूरा चिपसेट, और इसके अंदर मुझे हार्ड ड्राइव फिट करनी है। तो अब मैं इसको इसके एक साइड में रख लेता हूँ, और अब लैपटॉप को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, जो मैं लैपटॉप जिस पे मैं हार्ड ड्राइव निकालने जा रहा हूँ, ये है वो मेरा एचपी का पुराना सा लैपटॉप, जो कि आपने अगर देखा हो, पता हो आपको, मैंने पिछली वीडियोस में डाल रखा है। इसके पीछे का भी मैं आपको हिस्सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक पैनल बना रहता है जनरली लैपटॉप्स में, ये देखिए कुछ सिंबल्स मेंशन है इसमें कि सबसे पहले सीडी ड्राइव आपके यहाँ से खुलेगी, कीबोर्ड यहाँ से खुलेगा, नेटवर्क कार्ड का एक ऑप्शन बना है, और हार्ड ड्राइव का भी एक ऑप्शन बना है। तो इसमें चार सिंबल्स अगर आपको दिख पा रहे होंगे, तो यही पैनल है। यहाँ एक छोटा सा स्क्रू लगा है, ये देखिए। तो अब मैं इसको खोलूँगा पहले। पैनल मेरा खुल चुका है, और इसमें काफ़ी अंदर रैम वगैरह लगी हुई है, और NIC वगैरह कार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको इनसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये है एक दूसरा पैनल, इसमें कि देखिए हार्ड ड्राइव का एक साइन बना हुआ है, अगर आपको ये रहा, ये हार्ड ड्राइव का एक साइन बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ये है जो मेरी हार्ड ड्राइव है, और इसमें भी कुछ चार स्क्रूज लगे हुए हैं, तो मैं इनको भी जल्दी से खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे एक बात कहूँगा, प्लीज़ अगर आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ इस चक्करों में ना पड़िएगा, किसी शॉप वाले से करवा लीजिए। मैंने निकाल लिए बाहर, तो इसको मैं दिखा देता हूँ। ये मेरी सीगेट की 5400 RPM की हार्ड ड्राइव एक है, जो सीरियल आटा उसमें भी लिखा हुआ था, एक ड्राइव है, और ऊपर भी इसमें एक कैडी टाइप की लगी हुई है। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक सा कवर दिया हुआ था, और ये मेरी हार्ड डिस्क खुल चुकी है। तो कुछ ऐसी होती है, देख लीजिए हार्ड डिस्क, और इसको मुझे लगाना है अपनी वही कैडी में, जो कि मैं केस लाया हूँ, सॉरी कैडी बोल रहा हूँ बार बार। तो इस केस में ये कुछ प्लग टाइप का है, तो अडेप्टर टाइप का है, तो इसी में मुझे ऐसे करके आई थिंक फिट करना है, और देख लीजिए कि ऐसे ही ये है। तो इसमें साइंस आई थिंक बने होंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ इस तरह फिट हो जाती है। अब इनक्लोज़र में फिट करने के लिए इसको, ये इनक्लोज़र लीजिए, और इसमें आपको धीरे से कुछ नहीं, बस फिट कर देनी है हार्ड ड्राइव। तो ये इसके अंदर फिट हो गई है, और बाद में इसको स्क्रू से कस देना है। तो अब चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं अपने लैपटॉप में लगा के, और जो 5 GBPS वाला स्कैम है, क्या वो सही बात है कि नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्द साथ ही साथ, और इस लैपटॉप को मैं साइड में रख लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कनेक्ट कर लिया अपनी USB केबल इसके आगे से, और ये है जो कि ऊपर का इसका हिस्सा है, और अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसकी USB अपने PC में। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आगे एक ब्लू कलर की LED इंडिकेट हुई है हमें, और कुछ फ्लैश हो रही है। तो मैं इसको अब, चलिए अब स्क्रीन की रिकॉर्डिंग पे चलते हैं, और कुछ सैम्पल के तौर पे फाइल्स आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे ये है मेरा डेस्कटॉप, और इस पे से मैं कुछ फाइल्स वगैरह, सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क वगैरह दिखाऊं। ये तीन डिस्क हैं जो कि एक्सटर्नल है मेरी, और बाकी ये मेरी प्राइमरी हार्ड ड्राइव है, और ये एक SSD है जो कि इस लैपटॉप में पड़ी हुई है, और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखा देता हूँ एक बार खोल के। मैनेज डिवाइस, डिवाइस मैनेजर में जा करके एक बार मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ डिस्क की। तो ये देख रहे हैं डिस्क 2 बेसिक, जो ये चीज़ है, ये सब आपकी मेरी जो हार्ड ड्राइव है,
एक्सटर्नल वही है। और इसमें चलिए हम लोग कुछ स्पीड्स की बात कर लेते हैं कि अपना सारा इसमें जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट करके हम लोग एक स्पीड्स की बात करते हैं। तो ये कुछ सैम्पल्स हैं मेरे पास, तो इन तीनों वीडियोस को कॉपी करता हूँ मैं और देखता हूँ कि स्पीड्स कैसी हैं। तो एच पी टूल्स वाली ड्राइव में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि इसमें लिखा था अप टू 5 Gbps ऑफ स्पीड्स, और ये यार मेरा थंडरबोल्ट 2.2 वाले पोर्ट में लगा हुआ है, तो अप्रॉक्स वही जैसा मैंने सोचा था कि 35 to 50 Mbps स्पीड आएगी, इतनी आ रही है। इवन 36-37 Mbps स्पीड आ रही है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन हाँ मुझे लग रहा था, तो इसको देखते रहते हैं। करीब 25 सेकंड में ये दोनों वीडियो कॉपी हो गई हैं, 20-25 सेकंड में। अब इसी को हम लोग दोबारा से कॉपी करके अपनी हार्ड डिस्क में पेस्ट करेंगे और रिप्लेस मार देता हूँ। तो हाँ, तो अप्रॉक्स 200 to 80 Gbps इसकी राइट स्पीड है, तो ठीक ठाक है। मैं प्रेफर करूँगा कि जिनको अपना डेटा वेटा लूज़ हो जाता है, बैकअप कर रहा है, वो ये लोग इस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं, वरना बाकी कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। और मैं तो कहूँगा USB 3.2 ले लीजिए, इससे अच्छा एनक्लोज़र अगर आपको लेना है, वरना एक हार्ड ड्राइव ले लीजिए USB 2 इंटरफेस या 3 इंटरफेस की। आजकल तो थोड़ा महंगी है, लेकिन ठीक है अगर आपको डेटा वगैरह बैकअप रहता है ज़्यादा का, तो ये इम्प्रेसिव ज़्यादा नहीं है मुझे, नॉट वर्थ, बस काम चलाने के लिए है, जैसा कि मैंने लॉकडाउन में चलाया। आप भी एक बार देख के लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल द टेक्नोक्रेटिक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।